नमस्कार दोस्तों, पूनम की झटपट रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को छुहारे का हलवा बनाना सिखाऊंगी। छुहारा जो है वो खजूर का सूखा हुआ रूप है, तो और इसकी तासीर काफी गर्म होती है, इसलिए इसे जाड़े में खाना ज्यादा अच्छा रहता है। और इसमें बहुत सारे गुण हैं, इसमें काफी फाइबर है, विटामिन और मिनरल्स प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, और बहुत सारे बीमारियों में भी ये काफी लाभकर होता है, जैसे कि कब्ज, लो ब्लड प्रेशर, दमा, सर्दी, जुकाम, ये सब में ये काफी लाभकारी होता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं छुहारे का हलवा, और देखते हैं कि मैंने हलवा बनाने के लिए किन किन सामग्रियों का प्रयोग किया है। इसके लिए मैंने 1/2 kg छुहारे को लिया है और इसे 12 घंटे के लिए दूध में फूलने के लिए इसे छोड़ दिया था, और ये देखिए इस तरह से ये फूल गया है। और मैंने इसके बीज को इस तरह से कट कर सारे बीज को मैंने अच्छे तरीके से निकाल लिया है। छुहारे के बीज को मैंने अच्छी तरीके से, ये देखिए मैंने सबसे सब छुहारों से इस तरह से बीज को निकाल लिया है। फूलने के बाद ये काफी नरम हो जाता है, इसलिए बीज निकालने में कोई परेशानी नहीं होती है। मैंने 1.5 लीटर दूध लिया है, आप चाहे तो ज्यादा भी दूध ले सकती हैं, जितना अधिक दूध डालेंगे उतना अच्छा आपका हलवा बनेगा। मैंने 250 ग्राम चीनी लिया है, आप कम चीनी चाहती हैं तो 200 ग्राम भी आप डाल सकती हैं। और मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, पिस्ता लिया है मैंने, सूखा हुआ नारियल, किशमिश, काजू, खरबूजे का बीज, बादाम, और 3-4 मैंने छोटी इलायची को कूटकर इस तरह से मैंने बारीकी से कूट लिया है। और हलवा बनाने के लिए मैंने शुद्ध घी का प्रयोग किया है। छुहारे के हलवे में शुद्ध घी ज़्यादा अच्छा रहता है, रिफाइंड में बनाने पर उतना स्वाद नहीं आएगा जितना कि शुद्ध घी में बनाने पर इसका स्वाद आता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें छुहारों को मिक्सी में इस तरह से इस जार में रखकर इसे पीस लेना होगा। बहुत महीन भी नहीं पीसना है, थोड़ा दरदरा हमें पीस लेना है। ये देखिए मैंने छुहारों को इस तरह से मिक्सी में इस तरह से दरदरा पीस लिया है। और अब मैंने कढ़ाई को चढ़ा दिया है, कढ़ाई हमारा बिल्कुल गर्म हो चुका है, और अब मैं इसमें घी को डाल दूंगी। मैंने घी को डाल दिया है और अब मैं इसमें ये देखिए और अब मैं इसमें छुहारा को इस तरह से डाल दूंगा। इसे अच्छे तरीके से इसे भून लेना है। इसे लगभग 7 से 8 मिनट इसे भूनना है। ये देखिए इस तरह से इसे 7 से 8 मिनट भून लेना है। देखिए दोस्तों, मैंने तेज आंच पर 7 से 8 मिनट तक इस तरह से इसे भून लिया है। ये देखिए हल्का सुनहरा, ये देखिए। और अब मैं इसमें चीनी को इस तरह से डाल दूंगी। चीनी डालने के बाद अब मैं इसमें इस तरह से दूध को डाल दूंगी।
और आंच को तेज कर दूंगी। और दूध को अच्छी तरह से सुखा लेना है 10 मिनट तक इसी तरह, फिर इसे हमें पकाना है। ये देखिए मैंने 10 मिनट तक फिर इसे तेज आंच पर इस तरह से इसके दूध को इस तरह से सुखा लिया है और ये हल्का भुन चुका है। और अब मैं इसमें इलायची मिला दूंगी और सभी ड्राई फ्रूट्स को इसमें इस तरह से मिला देना है। नारियल, किशमिश, और ये हमारा पिस्ता और ये बादाम। और अब इसे इस तरह से अच्छी तरीके से इसे मिला लेना है। और थोड़ा पोस्ता दानों को भी मैंने इसमें मिला दिया है। ड्राई फ्रूट्स जो आपको पसंद हो वो आप डाल सकती हैं और जितना चाहे डाल सकती हैं, ये आपकी इच्छा के ऊपर है। आप जितना भी इसे ज्यादा पसंद करती हैं तो ज्यादा डाल सकती हैं और कम डालना चाहती हैं तो कम डाल सकती हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा छुहारे का हलवा बनकर बिल्कुल तैयार है। अब मैं गैस को बंद कर दे रही हूँ। 10 मिनट मैंने तेज आंच पर इसे भून लिया है और अब मैं सभी ड्राई फ्रूट्स को इस तरह से इसमें मिला दे रही हूँ। ये देखिए, ये सारा ड्राई फ्रूट्स मैं मिला दूंगी और इसे अच्छी तरीके से इसे मिला लेना है। ये हमारा छुहारे का हलवा बनकर बिल्कुल तैयार है। ये देखिए दोस्तों, ये छुहारे का हलवा बनकर बिल्कुल तैयार है। दोस्तों, ये हमारा छुहारे का हलवा बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इसे जरूर ट्राई करें, बनाएं, खाएं और हमें बताएं कि आपको ये कैसा लगा। यदि आपको अच्छा लगे तो आप इसे जरूर लाइक और शेयर करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।